तो गाइस, तो कैसे आप सब, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है। एक्चुअली मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो, आप पहले दिखाता हूँ, रुको। मेरे काफी सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, ठीक है, जो मुझे शो ही नहीं करते। क्या लिखा आता है, दिस कॉमेंट इज नो लॉन्गर अवेलेबल, ओके, या फिर काफी बार सॉरी कुछ बोल के लिखा आता है, ठीक है, कमेंट दिखता ही नहीं है। काफी बार मैंने रिप्लाई करने की कोशिश की पर नहीं होता है, और व्यूअर सोचेंगे कि भाई कितना ऐसा सोचता है यार, मतलब एक रिप्लाई नहीं करता, ऐसा नहीं है, ठीक है, कमेंट काफी बार दिखाता ही नहीं है, इसीलिए हम लोग रिप्लाई कर नहीं पाते। ये देखो आप, अभी भी काफी सारे ऐसे कमेंट है जो कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ये देख सकते हो आप। ये देखो, दिस कमेंट इज नो लॉन्गर अवेलेबल, देख रहे हो, ये देखो, दिस कमेंट इज नो लॉन्गर अवेलेबल। कुछ कुछ कमेंट्स है जो कि आ चुके हैं, जो कि मैं रिप्लाई कर पा रहा हूँ। ओके, अभी देखा आपने ये क्यों हो रहे हैं, आज मैं यही बताने वाला हूँ आपको कि क्यों ऐसा होता है। ओके, ये क्यों हो रहा है, अभी ये प्रॉब्लम काफी लोगों को हो रहा है, एंड इवन पहले भी होता था, पर अभी ज्यादा हो रहा है। अभी थोड़ा YouTube भी सिक्योरिटी को लेके थोड़ा कंसर्न हो गया है। ओके, तो मैं बताता हूँ क्यों होता है एंड इसे सॉल्व कैसे करना है। ओके, तो गाइस, जब भी आप YouTube पे कोई वीडियो पोस्ट करते हो ना, एंड व्यूअर आता है, वो रुकता नहीं है, वो वीडियो देखता भी नहीं है, मतलब कुछ परसेंट भी नहीं देखता, 10-15% भी नहीं देखता, उसके पहले ही बस खोला, कॉमेंट किया और गायब, आगे भी वीडियो देखता नहीं है कॉमेंट करने के बाद। तब वो जो कॉमेंट है ना, वो आपके स्पैम फोल्डर में आ जाता है, ठीक है। स्पैम मतलब समझ लो, समझ ही रहे होगे, मतलब फिजूल, मतलब काम का कमेंट नहीं है, ऐसा समझ लो, ठीक है, क्योंकि आपका वीडियो है समझ लो 3-4 मिनट का, एंड वो उसका 8-10% भी नहीं देखता, मतलब ये क्या, वो क्या पूछेगा आपसे, आपको पूरा थोड़ा भी वीडियो देखा ही नहीं, वो क्या समझाओगा एंड क्या पूछेगा, ऑब्वियसली है कि नहीं। तो अभी यूट्यूब ने ऐसा किया है, मतलब सिस्टम में ऐसा ऑप्शन दिया है कि जो ऐसे थोड़ी देर पहले ही, मतलब वीडियो देखते ही नहीं है एंड पहले कमेंट कर देते हैं, तो वो सारे कमेंट स्पैम में काउंट होता है एंड वो आपको स्पैम फोल्डर में दिखता है। और पहले था लाइकली स्पैम, अभी वो भी नहीं है, अभी हेल्प फॉर रिव्यू वाले ऑप्शन में ये आपको दिखेगा। ओके, हेल्प फॉर रिव्यू, ओके, एंड कहां से इसको रिप्लाई करना है वो मैं बताने वाला हूँ। ओके, एंड सॉल्यूशन क्या है वो भी बताने वाला हूँ। तो देखते हैं पहले रिप्लाई कहां से करते हैं। जैसे कि मैं बताया कि हेल्प फॉर रिव्यू वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा। ओके, आप YouTube स्टूडियो डेस्कटॉप में ओपन करके भी कर सकते हो एंड मोबाइल के ऑप्शन, मोबाइल में भी कर सकते हो। ओके, YouTube स्टूडियो ओपन करके, ओके, आपको अभी नीचे ऑप्शन मिल रहा है ना कमेंट, उसमें जाना। आप कमेंट में जाने के बाद आप आई हैवंट रिस्पोंडेड कार्ड दो, पब्लिश्ड के जगह हेल्प फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, ऊपर दिख रहा है ना, पब्लिश के जगह हेल्प फॉर रिव्यू। ओके, यहाँ में वो सारे कॉमेंट्स आ जाएंगे जो यूट्यूब को लगता है स्पैम है और जो उसने इधर रख दिया है आपको रिव्यू करने के लिए, ताकि आप रिव्यू करके अप्रूव कर दो, तब ये उधर शो होने लगेंगी। ओके, जैसा कि आप देख सकते हो ये सब अप्रूव्ड है, ये टिक कर नहीं पा रहा हूं मैं। ओके, इसका रिप्लाई में ये जो मैसेज है देखो, ये अनअप्रूव्ड है, ठीक है, और जब मैं इसे टिक कर दूंगा, अप्रूव वाला ऑप्शन आ रहा है ना, अप्रूव दिस कमेंट, तो ये स्पैम में आ गया था। अभी मैं जब अप्रूव करूंगा तो ये देखो, ये नॉर्मल कमेंट में आ चुका है, ठीक है, और रिफ्रेश करता हूं तो ये गायब हो जाएगा, देख रहे हो। ऐसे ही जो भी स्पैम फोल्डर में आए हैं कमेंट, उन्हें आप अप्रूव कर सकते हो एंड वो आपके नॉर्मल कमेंट में शो होने लगेंगी। ओके, पर फिर भी भाई काफी सारे कमेंट तो स्पैम फोल्डर में, मतलब हेल्प फॉर रिव्यू में शो कर रहे हैं, पर काफी सारे ऐसे भी कमेंट्स हैं जो इधर भी शो नहीं कर रहे हैं। ओके, हेल्प फॉर रिव्यू वाले ऑप्शन में भी शो नहीं कर रहे, तो ये क्यों हो रहा है, ये देखो आप, मैंने गूगल, यूट्यूब, फोरम्स काफी जगह देख लिए, पर कहीं भी इस मतलब क्वेश्चन का स्पेसिफिक एकदम सटीक आंसर नहीं मिला। ओके, कहीं भी आंसर नहीं मिला, सब यही कह रहे हैं कि भाई ज्यादा देर नहीं देखने की वजह से, यूट्यूब का भी कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक इसके बारे में कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उस बंदे ने थोड़ा भी नहीं देखा होगा, कुछ परसेंट भी नहीं देखा होगा, इसीलिए उसका हेल्प फॉर रिव्यू वाले ऑप्शन में भी शो नहीं कर रहा है एंड डायरेक्ट हट चुका है। ओके, शायद यूट्यूब के द्वारा ही हटा दिया गया उस कमेंट को। ओके, पर नोटिफिकेशन आएगा आपको। ओके, तो आप जो भी स्पैम फोल्डर में, मतलब हेल्प फॉर रिव्यू वाले ऑप्शन में आएंगे कॉमेंट, उससे आप ऐसे अप्रूव करके उनका रिप्लाई कर सकते हो, पर जो कॉमेंट इधर भी नहीं आ रहे हैं उनको आप रिप्लाई नहीं कर सकते। ओके, उनको आप रिप्लाई नहीं कर सकते, वो शायद यूट्यूब के द्वारा ही हटा दिया गया है एंड इसका कोई और स्पेसिफिक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन नहीं है, जब तक यूट्यूब खुद कुछ अपडेट ना बता दे। ओके, तब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरे साथ भी काफी बार होता है यार, हेल्प फॉर रिव्यू वाले ऑप्शन में भी नहीं दिखाता, काफी सारे अभी भी कॉमेंट है जो हेल्प फॉर रिव्यू वाले ऑप्शन में भी नहीं है, पर व्यूअर सोचेगा कि भाई कितना एरोगेंट है या कुछ भी सोच सकता है, राइट, कि रिप्लाई भी नहीं करता है, एक तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बताता वगैरह वगैरह। ओके, सो गाइस, हमारी मजबूरियां हैं कुछ एंड अगर कमेंट करना है तो थोड़ी देर देखो वीडियो या कमेंट करके थोड़ी देर आगे देखो, एटलीस्ट 20-30% देखो, ताकि आपका कमेंट हमारा अच्छे से मिल जाए हमें एंड हम उसे पढ़ के आपका रिप्लाई कर पाए। ओके, समझ आया।
सो गाइस आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो भाई नीचे कमेंट करो, कमेंट करो भाई, कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर देता हूँ, आप देख सकते हो सारे कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ। ओके तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए एसेंस डेली मीडिया। ओके बाय बाय, विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। ओके एंड आई होप आपने सीखा होगा कैसे आप रिप्लाई कर सकते हो स्पैम मैसेज का भी। ओके बाय बाय, स्पैम कमेंट का। ओके बाय।